नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज आपको जो है चित्रकला में बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे उनके उन प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त होता है? फूल पहला दिया गया व्हाट्समैन, चिकना, अखबारी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है व्हाट्स मैं। फिर अगला प्रश्न है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, छोटी, धुंधली, फिर बताया गया छोटी और धुंधली दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताया गया इसका है गा वाला सही, छोटी और धुंधली दिखाई पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, छोटी, धुंधली, बड़ी या अस्पष्ट। तो इसका आपका सही आंसर है बड़ी। आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? रेखीय वृद्धि, रेखीय ह्रास, रेखीय समानता, इनमें से कोई नहीं। इसको कहते हैं बच्चों रेखीय वृद्धि। दूरी के प्रभावों से रंगों का धुंधला एक शीतल होना कहलाता है। रेखीय क्षय, वातावरणीय क्षय, कोणीय क्षय, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका है वातावरणीय क्षय। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए, सीधे पेंसिल से, सीधे स्याही से, सीधे रंग से, सीधे स्केच से। तो इसका आपका सही आंसर है सीधे रंग से। प्रातः काल के वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो ये तो बहुत ही सरल है, प्रातः काल में सफेद, नीला, लाल और पीला में से आपका पीला जो है, पीला की अधिकता होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए चटकीले होने चाहिए, धुंधले, भड़कीले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा चटकीले। फिर आपका है प्रश्न, वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाता है, क्षितिज, नेत्रज, द्रेत्रिज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर है क्षितिज। अगला प्रश्न दिया गया है, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है, सूर्य, चंद्रमा, धरती या आकाश? तो इसका सही आंसर है आकाश। नेत्र तल से नीचे का स्थान कहलाता है, सूर्य, चंद्रमा, धरती या आकाश? तो इसका सही आंसर है धरती। वह बिंदु जहाँ पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं कहलाता है, दृष्टि केंद्र, नेत्र तल, दृष्टि रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर है दृष्टि केंद्र। जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, ऊपर, मध्य में, नीचे कहीं नहीं बनती। तो इसका आपका आंसर है नीचे। जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, ऊपर, मध्य में, नीचे कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है ऊपर। जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। तो इसका है ऊपर, मध्य में, नीचे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मध्य में। कहने का मतलब है जब ऊपर से हम देखेंगे तो नीचे बनेगी, जब नीचे बैठ कर देखेंगे तो ऊपर बनेगी, और जब खड़े होकर देखेंगे तो बीच में बनेगी क्षैतिज रेखा। नेत्र तल से, फिर अगला है, नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है, तो नेत्र, इसका सही आंसर आपका है पृष्ठभूमि।
आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं। अग्रभूमि में, मध्य भूमि में, पृष्ठभूमि में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पृष्ठभूमि में। अगला प्रश्न दिया गया है नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है। अग्रभूमि, मध्य भूमि, पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अग्रभूमि। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जल रंग होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी, पारभासी। इसका सही आंसर है पारदर्शी। पोस्टर कलर होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी, पारभासी। तो इसका सही आंसर है आपका अपारदर्शी। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है। कैसा रहता है देखो बच्चों, दिया गया है गहरा नीला, हल्का नीला, सफ़ेद, बैंगनी। तो इसका है गहरा नीला। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है। क्रिम्सन, प्रेसियन, ब्लू, सैप ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू। तो इसका है सैप ग्रीन। अगला प्रश्न दिया गया है आपका दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है। कोबाल्ट ब्लू, प्रेसियन ब्लू, सैप ग्रीन ब्लू, अल्ट्रा मैरीन ब्लू। इसका सही आंसर आपका है कोबाल्ट ब्लू। अगला प्रश्न है बैंगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है। सैप ग्रीन, प्रेसियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, क्रिम्सन। तो इसमें मिलाया जाता है आपका क्रिम्सन। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम है पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र। तो इसका आपका यही सही आंसर है पृष्ठभूमि, फिर अग्रभूमि और फिर मुख्य चित्र। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका है पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं गहरे रंग, हल्के रंग, कोई भी भर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका है हल्के रंग। नमस्कार।